दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं आप लोगों के लिए इनोवेशन और तकनीक की दुनिया की वो जानकारी लेकर जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर अंतरिक्ष में आप लोगों की रुचि है तो हमारी ये खबरें आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि यहाँ आप लोगों को दुनिया भर में हुई नए इनोवेशन, नई तकनीक का आविष्कार जैसी हर जानकारी मिल सकेगी। साइंस के स्टूडेंट तो खासकर हमारा ये वीडियो देखें, क्योंकि जो जानकारी आप लोगों को यहाँ मिलेगी, यकीन मानिए वो आप लोगों को किताबों से मिलने वाली जानकारी से ज्यादा होगी। अंतरिक्ष की दुनिया में क्या चल रहा है, नासा कौन से नए मिशन को लॉन्च कर रहा है, इसरो ने किस नई तकनीक का परीक्षण किया, ये सब जानकारी आप लोगों को हम देंगे। इसके लिए बस आपको हमारा ये बुलेटिन देखने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को साइंस की दुनिया में ले चलते हैं, जहां आपको हर वो खबर मिलेगी जो आप जानना और देखना चाहते हैं। डिफेंस के लिए महिंद्रा ने उतारा बख्तर बंदबाख। दोस्तों चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच भारत खुद को मजबूत कर रहा है। भारत विदेशों से हथियार तो खरीद ही रहा है, लेकिन भारत में भी कई कंपनियां सेना के लिए साजो सामान तैयार कर रही हैं। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि देश के जवानों की सुरक्षा के लिए महिंद्रा कंपनी ने क्या कमाल किया है। दरअसल महिंद्रा कंपनी ने बिल्कुल देसी तकनीक पर एक अत्याधुनिक और हाईटेक बख्तरबंद वाहन लॉन्च किया है। दोस्तों ये वाहन हमारे देश के वीर जवानों की सुरक्षा करेगा। इसकी खासियत है कि ये माओवादी और आतंकियों के बिछाए जाने वाले लैंड माइन से भी जवानों को सुरक्षित रखेगा। इसे महिंद्रा डिफेंस ने ही डिजाइन और तैयार किया है, जिसे निर्यात भी किया जाएगा। इसे जल्दी संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अभियानों में लगाया जाएगा। ये ट्रक जैसा भारी बख्तरबंद वाहन है। यही नहीं, इसमें कई ऐसे चेक करने वाली भुजाएं भी लगी हैं, जो सड़कों के किनारे पड़े विस्फोटक डिवाइस को हटा या उठा सकती हैं। दरअसल सरकार डिफेंस में भारतीय कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, और ये लक्ष्य है कि भारतीय डिफेंस जरूरतों का कम से कम 70% स्वदेशी कंपनियों से ही आपूर्ति किया जाए। इसरो के लिए HEC बनाएगा एक और लॉन्चिंग पैड, अपनी पहचान बना रहा है। इसरो के सफल मिशन की वजह से ही आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का गौरव बढ़ा है। भविष्य के अपने बड़े मिशन के लिए इसरो को एक बड़े लॉन्चिंग पैड की जरूरत है, और इसे बनाने के लिए इसरो ने HEC पर भरोसा जताया है। दोस्तों ये लॉन्चिंग पैड अब तक का सबसे बड़ा होगा, और इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। अक्टूबर तक लॉन्चिंग पैड समेत इसके सभी उपकरणों की आपूर्ति HEC को करने का लक्ष्य दिया गया है। इसरो अपने नए अंतरिक्ष कार्यक्रम में इस लॉन्चिंग पैड का इस्तेमाल करेगा। इसरो के इस लॉन्चिंग पैड का वजन पहले की अपेक्षा अधिक होगा। इसकी डिजाइन में इसरो के मुताबिक ही कुछ बदलाव किया गया है। करीब 45 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पैड का प्लेटफॉर्म 80 मीटर रहेगा। इसमें टावर क्रेन, हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग डोर, 400 टन EOT क्रेन, फोल्डिंग कम वर्टिकल रिपोजिशनेबल प्लेटफॉर्म के उपकरण लगेंगे। सभी का निर्माण HEC में ही किया जाएगा। नंबर 3, IIT कानपुर का पद्मावती ऐप जांचेगा पानी की क्वालिटी। दोस्तों हमारे देश में साफ पानी का मिलना एक सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन हमारे देश के IIT जैसे संस्थान इस समस्या को दूर करने के लिए लगातार रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों अब IIT कानपुर ने इस समस्या का हल निकाल लिया है। यह आविष्कार भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। दरअसल IIT कानपुर की इंक्यूबेटेड स्टार्टअप अर्थ फेस एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और कृत्स्नम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने स्मार्टफोन तकनीक के आधार पर कलर मीट्रिक टेस्ट स्ट्रिप का इस्तेमाल करके पानी की गुणवत्ता का विश्लेषण और निगरानी के लिए एक उपकरण विकसित किया है। इस डिवाइस में 2 मिनट से भी कम समय में पानी की क्वालिटी जांची जा सकेगी। इसमें स्मार्टफोन आधारित कलर मेट्रिक परीक्षण पट्टी का इस्तेमाल किया गया है, जो कई महत्वपूर्ण जल गुणवत्ता मानकों को तुरंत स्क्रीन करता है। इस डिवाइस का फायदा यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में कम कीमत पर पानी की जांच कर सकेगा। इसके लिए उसे पद्मावती ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। नंबर 4, रूस का नया S-500 अंतरिक्ष में उपग्रहों का करेगा खात्मा। दोस्तों रूस लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है, और इसका नतीजा है कि उसने इतना खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना लिया है कि अब रूस पर सुपरसोनिक मिसाइल भी हमला नहीं कर पाएगी। दोस्तों ये एक ऐसा आधुनिक हथियार है जो अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रह को भी बर्बाद कर देगा। दोस्तों रूस के इस नए ब्रह्मास्त्र का नाम है S-500। यह अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने पुराने S-400 की जगह लेगा। S-500 प्रोमीथियस सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यह रूस का ऐसा रक्षा कवच है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर ड्रोन विमानों तक का पलक झपकते ही खात्मा कर सकता है।
S-500 डिफेंस मिसाइल सिस्टम की रेंज 400 से 600 किलोमीटर है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम 16,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से किलर मिसाइलों को लक्ष्य की ओर भेजता है, जो ध्वनि की रफ्तार से कई गुना ज्यादा है। ये डिफेंस सिस्टम एक साथ 10 लक्ष्यों पर निशाना बना सकता है। अंतरिक्ष में निचली कक्षा में घूम रहे उपग्रहों को भी S-500 नष्ट कर सकता है। नंबर 5, गूगल के साथ मिलकर जियो बनाएगा सस्ते स्मार्टफोन। दोस्तों, देश में इस वक्त चीनी कंपनियों का स्मार्टफोन बाजार में पूरी तरीके से कब्जा कर चुका है, लेकिन अब चीन के इस कब्जे को चुनौती देने के लिए स्वदेशी कंपनी बाजार में सस्ते स्मार्टफोन लाने वाली है। दरअसल जियो ने चीनी कंपनी के स्मार्टफोन बाजार में सेंध लगाने के लिए गूगल से हाथ मिलाया है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम यूनिट जियो प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर भारत में सस्ते एंड्रॉयड फोन बनाएगी। RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी के 43वीं सालाना AGM में यह ऐलान किया। कंपनी अब गूगल के साथ मिलकर 4G 5G स्मार्टफोन बनाएगी। ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेंगे। इसके साथ ही गूगल और जियो मिलकर एक वैल्यू इंजीनियर्ड एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे। इस स्मार्टफोन के बाजार में आने से चीन की कंपनियों की सत्ता बाजार से कमजोर होने लगेगी। यह आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ एक बड़ा कदम होगा। नंबर 6, नई तकनीक से ब्लैक होल का रहस्य जानना हुआ आसान। दोस्तों, अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए हर किसी के मन में दिलचस्पी होती है। वैज्ञानिक लगातार कोशिश करते रहते हैं कि वो कोई ऐसी तकनीक ला सके जिसके जरिए अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल का रहस्य उजागर हो सके। दोस्तों, लेकिन अब इन रहस्यों से पर्दा उठ सकेगा, क्योंकि वैज्ञानिकों को ऐसी तकनीक मिल गई है जिससे इन रहस्यों की परत खुल जाएगी। कार्डिफ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की टीम का कहना है कि वे अब सुपर मैसिव ब्लैक होल के जन्म को समझने के लिए एक कदम और करीब आ गए हैं। कार्डिफ यूनिवर्सिटी के बयान के मुताबिक वैज्ञानिकों को ऐसी तकनीक मिल गई है जिसकी मदद से वे खगोलीय पिंड के बड़े रूप में देख सकते हैं, जिससे वे उसकी विस्तार से जानकारी हासिल कर सकेंगे। खगोलविद लंबे समय से सबसे कम वजन वाले SMBH की खोज कर रहे थे। इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलने की पूरी उम्मीद थी कि ब्लैक होल का निर्माण कैसे हुआ था। कार्डिफ के वैज्ञानिकों की अगुवाई वाली शोधकर्ताओं की इस टीम ने बताया कि SMBH का अब तक अनुमानित सबसे कम भार पास की एक गैलेक्सी के केंद्र के ब्लैक होल का है, जो हमारे सूर्य के वजन से 1,000,000 गुना भार से कम है। नंबर 7, ऐप की दुनिया में छाने को तैयार गोल बोल ऐप। दोस्तों, आप लोग अगर स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो जरूर आप लोगों के फोन में फेसबुक ऐप जरूर होगी। इस ऐप पर किया गया आपका हर एक क्लिक आपके देश का पैसा अमेरिका भेज रहा है। पीएम मोदी अक्सर आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और लोकल को वोकल करने को कहते हैं। और अगर आप लोग सोशल नेटवर्किंग के लिए किसी भारतीय ऐप की तलाश में हैं, तो हम आपको बताते हैं कि इसके लिए गोल बोल एक बेहतरीन ऐप है जो पूरे तरीके से देसी है। इसे IIT के कुछ छात्रों ने ही मिलकर तैयार किया है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर 1,000,000 से ज्यादा बार डाउनलोड हो चुकी है। इसे झारखंड के रहने वाले कौशल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया है। दोस्तों, इस ऐप की गूगल प्ले स्टोर पर 4.8 रेटिंग है। गोल बोल ऐप बेहद सुरक्षित है। बड़ी बात यह है कि इसका डेटा सेंटर भी भारत में ही है, यानी इस पर किसी विदेशी ताकत का अधिकार नहीं है और देश का डेटा देश में ही सुरक्षित है। इस ऐप को डेवलप करते समय भारतीय संस्कृति का खास ध्यान भी रखा गया है। इसमें भारत की संस्कृति से जुड़े काफी फोटो फ्रेम भी ऐड किए गए हैं। नंबर 8, लॉन्च होते ही साइबर हमले का शिकार हुई भारतीय ऐप। दोस्तों, देश में जब से चीनी ऐप्स को बैन किया गया है, तब से भारतीय ऐप को तेजी से यूजर मिल रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कुछ दिन पहले ही एक सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स को लॉन्च किया गया था, लेकिन लॉन्च होने के साथ ही ऐप साइबर हमले का शिकार हो गई। एलिमेंट्स के साथ ही गूगल के स्वामित्व वाला डिलीवरी प्लेटफॉर्म डुंजो भी हैक हुआ था। कंपनी की माने तो एलिमेंट्स की लगातार हो रही डाउनलोडिंग से परेशान अटैकर ने इस हमले को अंजाम दिया है। सुनियोजित ढंग से रिक्वेस्ट भेजकर DDoS अटैक किया जा रहा है। एलिमेंट्स के डेवलपर के मुताबिक ये साइबर अटैक दुनिया के कई देशों से किया गया। प्ले स्टोर पर ऐप के 57,000 रिव्यूज हैं। उन्होंने ऐप को 4.5 की रेटिंग दी है। वहीं अब ऐप के सर्वर को ठीक कर लिया गया है और OTP की गड़बड़ी अब ठीक हो गई है। कंपनी के मुताबिक प्रतिदिन 1,000,000 लोग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल साइबर हमलावर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए हैं।